क्या क्या बना रिकंसिलिएशन को? अच्छा, नहीं पता सर। ठीक है ठीक है। क्या क्या चल रहा है वहां पर? क्या काम से जॉब से आ गए हो क्या? अच्छा जी सर, अभी जस्ट एंटर हुआ घर पे। अच्छा अच्छा कितनी दूर था वो? कितना दूर है ट्रैवलिंग डिस्टेंस? एक्चुअली 1 आवर ट्रेवलिंग डिस्टेंस है सर, अराउंड 100 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो आपका जो आपने बताया कि ये करो, उसको दोबारा उसको एक ईमेल लिखो, लेटर भेजो, देखो कुछ आया है कुछ सामने? लेटर आ गया उनका जी? सर दिख नहीं रहा सर मुझे, नहीं दिख रहा सर, बहुत छोटा है स्क्रीन पे, बहुत छोटा है स्क्रीन पे। कैसे बढ़ाएं इसको? अभी बढ़ गया। पासपोर्ट रिक्वेस्ट है सर ये तो जी। थैंक यू सर, ये तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है जी, लग रहा है वही है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट ही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारा वेब फॉर्म क्रिएट करना जो है काम आ गया सर। जी 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 वो तो एक्चुअली क्या है कि हम तो आपसे ही सीख रहे हैं भैया। आपने आपने कहा कि वेब फॉर्म रेस कर दो, तो हमने कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया पासपोर्ट की। क्या करें भाई, आपका आपका हुक्म का कर रहे हैं भाई हम तो। सर आपका जो आपने जो वर्ड्स लिखा था जब मैंने पढ़ा, तभी मैं पढ़ के इतना इम्प्रेस हो गया। मैंने आपको कितने सारे मैसेजेस भेज दिए उसी टाइम पे, और मैंने वाइफ को कॉल करके बताया। मैंने कहा सर ने जो इतना अच्छा लिखा है कि गवर्नमेंट के रूल्स, और सीधे पीएम को ही लिख दिया कि कैनेडियन पीएम विल इज आस्किंग। मैंने बोला यार एक एप्लीकेशन के लिए कैनेडा के पीएम के बारे में कौन लिखता है, आपने कैनेडा के पीएम के लिए लिख दिया। मैंने बोला यार मैं वाइफ को बोला कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस बार, क्योंकि जो सर ने जो एप्लीकेशन डाला है और जिस वे में मेरे केस को रिप्रेजेंट किया, एक नॉर्मल स्टूडेंट परमिट एप्लीकेशन को, स्टडी परमिट एप्लीकेशन में कनाडा का पीएम आपने लिख दिया, तो ये इट्सेल्फ बड़ी बहुत बड़ी चीज है सर। मैं समझ गया कि कोई भी डर जाएगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि जो वीजा ऑफिसर्स हैं वो भी देख के डरेंगे कि यार ये बंदा डायरेक्ट अब इतनी बड़ी बात कर रहा है, पीएम का नाम ले रहा, तो अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा ना हो ये कोर्ट में जाए। तो मैंने बोला वाइफ को कि देखो इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार अप्रूव जरूर होगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला था ये चीज, आज ही बोला मैंने आपको पढ़ के। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। पहली बात ये है कि वसीम खान के, हेलो बेटी है? थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाथ जोड़ो, नमस्ते कैसे करते हैं? अरे नहीं नहीं, हाथ क्यों जोड़ा? नहीं, अरे नहीं, थैंक यू इतना बहुत है, हाथ जोड़ा। बेटी अब करो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो आप। मेरी बेटी है। जी 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 जी, हमें पता लग रहा है। और पहली बात तो ये है कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है वैसे वसीम, कि अगर आप हमें बताते नहीं, दोबारा लेटर नहीं लिखते, तो हम तो दोबारा अप्लाई कर रहे होते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके भी आपके जो फ्रेंड हैं जो जिनका वीज़ा लगा था विद फैमिली, उसके बारे में भी था ऐसे, उसका पहले झटके में हो गया उसका भी, और आपका भी पहले झटके में हो गया। मतलब आपको दोबारा हमें अप्लाई करना नहीं पड़ा। अगर दोबारा अप्लाई करना था होता तो हम मेंटली तैयार थे कि हम इसको दोबारा अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसकी नौबत नहीं आई, और इसका जो श्रेय जाता है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं बताते तो हम तो दोबारा अप्लाई करते, तो फिर वो लंबा चलता, एक महीना डेढ़ महीना फिर वो चलता, तो आपका भी टाइम ख़राब होता है, मेरा भी टाइम ख़राब होता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरे को कुछ सिखाया, कुछ बताया, और ऑफकोर्स फॉलो हुआ, और वीज़ा आपका आ गया है, तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है आप पे, और आपको मिलाया मेरे से, जैसे कि मेरे को कुछ सीखने को मिला, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
सर, हम तो सिर्फ देख के जो है जो भी सीख यूट्यूब से समझे, लेकिन जो मेन चीज है कि मैटर को आपने कैसे प्रेजेंट किया, वेब फॉर्म तो मेरा ख्याल है हर बंदा चाहेगा, हर एप्लीकेंट चाहे तो वेब फॉर्म रेस कर सकता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने उसमें लिखा क्या है। जो आपने पहले का जो सेंटेंस लिखा था वो पढ़ के ही मैं थोड़ा सा बोनाफाइड जो आपने लिखा था वो पढ़ के ही मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार इतना सारी चीजें आपने, इतनी बड़ी चीजें लिखी कि बंदा स्टेम फील्ड से और रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड शॉर्टेज है, जब इतना आप लिख देंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी वीजा ऑफिसर डरेगा कि ये केस डिफरेंट है। दो मतलब मैंने वाइफ को बोला कि अगर इस बार वो रिजेक्ट करता है, हिम्मत करता है रिजेक्ट करने की, तो पक्का वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। इस बार अगर रिजेक्ट कर भी देता गलती से कि भाई फाइल क्लोज हो गई है हम कुछ नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी हिम्मत नहीं करेगा जो लिखा हुआ है सर ने। थैंक यू सर, आई रियली अप्रिशिएट कि आपको, आपके साथ हमें मिलना और ये सब हमने स्टार्ट करना, रियली वो एक बहुत ही मतलब अच्छा डिसीजन था। ये तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने रابطہ कराया और जिन्होंने जिनके थ्रू आप आए। और लेकिन शोएब शोएब भी मुझे बोलता है कि यार मैंने जो है के मुझे शोएब को बोलता, शोएब बोल रहा था कि मुझे लगता है कि आपने मेरे कहने पे पैसे लगाए हैं और आपने मेरे कहने पे किया है, तो मैं चाहता हूँ आपका काम भी हो मेरा काम भी हो, और हम लोग इस चीज केस को लेके डिस्कस करते थे, और जो आज आपने लिखा उसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव था। मैंने आपको भी लिखा तुरंत कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके। वो ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू राइट। केस, हर केस सर कमजोर होता है और हर केस स्ट्रांग होता है, डिपेंड करता है उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है सर। ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले का एक रहमो करम है, उस पे हम जीते हैं, उस पे करते हैं। केस तो मेरे पास बहुत आते हैं, रोज़ के रोज़ बहुत केस आते हैं, और केसों को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे को केस नहीं चाहिए आपका, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मैं तलाश करता हूँ क्लाइंट में। मैं एक क्लाइंट की आंखों में एक ट्रस्ट देखना चाहता हूँ। अगर वो ट्रस्ट अगर मिलता है मेरे उसको नज़र आता है, तब मैं केस लेता हूँ, अदरवाइज केस लेता है। मेरे को याद है आपने मेरे ख्याल है कि जब मैं कनाडा में था तो आपने पहले ही झटके में कह दिया था कि सर जी ये पैसे पकड़ो और मेरे को केस कराना है, और मतलब आगे टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब इधर उधर कंसल्टेशन में इधर उधर के। तो मेरे को लगा कि बंदा अभी मतलब नया आया है एकदम से, उसको मतलब पहले ही वो छलांग लगा गया ये, तो कोई ना कोई बात जरूर है। और बाकी आपकी पढ़ाई भी लिखाई भी है, आपके माशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप पढ़ रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, और आप कनाडा में भी अच्छा मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, और आपको रिकमेंडेशन, आपकी जो रिकमेंडेशन लिखी है जो आपके जो एम्प्लॉयर ने, जो आपके जो सुपरवाइजर मैनेजर वाला ने, वो भी आंखों को खोल के रख देंगे जो पढ़ेगा उसको, कि भाई ये बंदा वाकई पहुंचा हुआ है। सब बाकी वीज़ा मिलना नहीं मिलना ये सब बहाना बन जाता है, आपकी आपकी किस्मत लिखी है कनाडा में जाना। आप समझ नहीं सकते सर कि आपने मुझे कितने बड़े लॉस से बचा लिया। मैंने मतलब जो है मैंने फी पे कर चुका हूँ जो कि मुझे रिफंड नहीं होती, मैं पढ़ चुका हूँ, प्लस मैंने मैंने मतलब आई पानी की तरह मैंने पैसे मैं बहा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर ये नहीं लगता मेरा और ये किसी भी तरीके से अगर आप पीछे हट जाते कि भाई नहीं हो सकता, दिस इज व्हाट वी कैन डू वी हैव डिड, तो मेरा समझ लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा नुकसान में होता था, लेकिन ये पूरा मेरा नुकसान कवर हो गया सर। ये रियली मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू। और आप मुझे, आप ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, थैंक यू सर। ये आपका आपका कितना कितना पैसा वो मतलब कि कितना पैसा पे कर चुके हैं ट्यूशन में? $10,000 करीब? यस, 9,300 डॉलर मैं ट्यूशन फी पे कर चुका हूँ सर। दिस इज ओनली ठीक ट्यूशन फी, अदर देन काफी दूसरी अलग चीजें भी हैं। जी। ट्यूशन और फी आगे आगे के सेमेस्टर, आगे के टर्म के लिए भी फीस अभी भरनी थी, मतलब वो अब ये होता है कि भाई वीजा मिलना नहीं मिलना, पढ़ाई चल रही है, पता नहीं इसका पढ़ाई का होगा क्या। सर वही था ना कि लग ये रहा था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल वीजा नहीं लगता है तो ये पढ़ाई किस तरीके से होगी, और कभी भी मेरे सुपरवाइजर्स जो है वो बोल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में है कि भाई आप नहीं आ रहे हो तो नो, मतलब ये
आप पे काम क्यों नहीं, विड्रॉ कर लो एप्लीकेशन, या आप एडमिशन आपका कैंसिल कर देते अगर आप नहीं आ पा रहे, तो वो एक बड़ा लॉस होता सर। मैं इसको पार्ट टाइम भी नहीं बोल सकता था, ऑनलाइन भी नहीं बोल सकता था, तो ये मेरे लिए गैम्बलिंग था, एक्चुअली गैम्बलिंग था मेरे लिए। लेकिन क्योंकि मैं इतना मोटिवेटेड था कि मुझे करना ही है, तो मैंने ये गैम्बल खेला, ये मेरे लिए इट्स अ गैम्बल कि मतलब पूरा मेरे पास लॉस होता अगर ये नहीं होता वीजा। तो वो तो लकीली आप हमें मिल गए और जो है हमें इंडिकेशंस मिले और एक पॉजिटिव वाइब्स आई कि, क्योंकि पता है सर इंडिया में जो रिजेक्टेड वीजे होते हैं और जो मैच्योर एप्लीकेंट के, वो कोई भी लेना नहीं चाहता, कोई भी कंसल्टेंट जो है लेना नहीं कर चाहता। मैंने आपसे अप्रोच करने के पहले दो तीन से अप्रोच किया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और दूसरी चीज ये थी कि उनमें वो सिर्फ मेरे को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे कि आप कोर्स बदल लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। उनको पता था इसका वैसे ही नहीं होना है, इस पे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो मेरे को, मुझे लगा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो मुझे आप जैसे एक बंदे की जरूरत थी, एक जो कि मेरा केस रख सके, और आपने वो काम बहुत अच्छे से किया सर। और आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अगर नहीं होते तो शायद मेरा वीजा कभी ना लगता। दूसरी बात ये है कि आपके जो वीजा अप्रूवल ने मेरे सऊदी का रास्ता खोल दिया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि सऊदी के जब केसेस होंगे, जब एटलीस्ट दो केसेस होंगे तब मैं सऊदी आऊँगा। लेकिन अभी मैं इस वक्त इंडिया में हूँ, लेकिन अभी कोविड करके मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा बहुत अंदर से मन था कि मैं सऊदी में आऊँ और लोगों से मिलूँ, आपसे मिलूँ, और सऊदी में जो हालात हैं, जैसे आप जैसे और प्रोफेशनल हैं उनसे मिलूँ, एक सेमिनार करूँ। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है कि इस वक्त फ्लाइट करना बड़ा डेंजरस है, कोविड करके, कोरोना करके बहुत वो है। लेकिन चलो इंशाल्लाह कभी और कोई सफ़र का कोई बनेगा, सबब बनेगा, तब देखेंगे। बाकी टिल द टाइम एवरीथिंग इज़ ओके। और आप अपने दोस्त को ज़रूर मेरी तरफ से पैगाम दे दें कि भाई हो गया, क्योंकि वो डेफिनेटली सोच रहा होगा कि भाई आप, उसने रेफ़र किया कि भाई इसके पैसे ना डूब जाएं, उसका केस तो हो गया, कम से कम वो बता दें उसको। और बाकी सब ठीक है, बिल्कुल। वो पहला बंदा सर अभी जिसको मैं बताऊंगा, अभी वो पहला बंदा है, क्योंकि मैं उसको कई बार कॉल करने के लिए सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कुछ खुशखबरी हो तो उसको बताऊं, मैं क्या उसका दिमाग खाऊं, क्या उसी चीजों पे बार बार बात करूं। अभी मैं उसको सबसे पहले उसको कॉल करूंगा, क्योंकि उसने भी मुझे रियली बहुत सपोर्ट किया है, उसकी रिसर्च। एक और मैं आखिरी आखिरी मैसेज मैं अपनी तरफ से दिल से आपको, मैं आपको एक नजराना देना चाहता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं आपके लिए, कि जो भी अभी हालात चल रहे हैं कोरोना के, क्योंकि ये अगर कोरोना की सिचुएशन बिगड़ गई तो हो सकता है कि फ़्लाइट बंद ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश इतना करता हूँ कि अगर आपको, जब भी आपका पासपोर्ट आ जाए, क्योंकि पासपोर्ट आपका मेरे ख्याल 7 to 10 days में वीज़ा लग के आ जाएगा, और अगर आपका क्वारंटीन प्लान और ट्रैवल ऑथोराइजेशन अगर आपको मिल जाती है, जब भी मिल जाती है, ठीक है, तो आप पतली गली से निकल लो कनाडा एज सून एज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि ये कोरोना का लंबा केस हो जाए कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने सारे फ्लाइट ही ना चलें। अभी तो हिंदुस्तान से फ्लाइट बनी है, पता नहीं सऊदी से फ्लाइट जा रही है कनाडा के लिए, नहीं जा रही। अभी 17th में से फ्लाइट्स ओपन हो रही है सर, वो भी हाँ 17th में से फ्लाइट्स ओपन हो जाएगी, रेगुलर फ्लाइट्स। अच्छा, एक इंडिया की नहीं। बहरहाल वो अपनी अपनी प्लानिंग आप देख लेना, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे दो क्लाइंट्स अभी अभी इंडिया में बैठे हैं जिनके वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन वो, और वीज़े भी लगे बड़ी मुश्किल से, मतलब कि 2-3 बार रिफ्यूज़ होने के बाद, लेकिन वो ऐसी किस्मत है कि वीज़े लग गए हैं, हाथ में वीज़ा है, लेकिन अब फ्लाइट बंद हो गई। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस सिचुएशन में आ जाएँ। तो बहरहाल आप समझदार हैं, प्लानिंग करें, आप देखें जब भी जब निकल सकते हैं तो निकलें, और बाकी जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जी सर, थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।